दोस्तों, सफलता असफलता तो जीवन का हिस्सा होती हैं। कभी कभी हम जल्दी सफल हो जाते हैं, कभी कभी ज्यादा वक्त लग जाता है। शुरुआती दिक्कतों की वजह से हम में से कई लोग हार मान लेते हैं और ये सोच लेते हैं कि शायद वो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन हिंदी दर्पण में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसके जीवन के बारे में जानकर आपको इतना तो जरूर समझ में आ जाएगा कि चाहे कितनी भी असफलता आए, पर जो लगा रहता है वो कभी न कभी जरूर आगे निकल जाता है। हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रेस्टोरेंट चेन KFC के फाउंडर हार्लैंड सैंडर्स के बारे में। दोस्तों, सैंडर्स का जन्म अमेरिका के इंडियाना राज्य में 1890 में हुआ था। जब वो सिर्फ 5 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनकी माँ को खर्च चलाने के लिए काम करना पड़ता था। ऐसे में घर का सबसे बड़ा लड़का होने के कारण घर की बाकी जिम्मेदारियां सैंडर्स के ऊपर आ गईं और सिर्फ 7 साल की उम्र से ही उन्होंने घर में खाना बनाना शुरू कर दिया। 10 साल की उम्र से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने कई तरह के काम करने में गुजार दिया। उन्होंने रेलवे में एक लेबर की नौकरी की, मगर वहां से भी उन्हें झगड़ा करने की वजह से निकाल दिया गया। उन्होंने वकील बनने के लिए लॉ की पढ़ाई की, मगर लड़ाई झगड़े की वजह से उन्होंने अपनी वकालत भी खराब कर ली। उसके बाद उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस बेचने की नौकरी शुरू की, मगर ठीक से काम न कर पाने की वजह से उन्हें इस काम से भी हाथ धोना पड़ा। फिर उन्होंने पैसेंजर बोट की एक कंपनी खोली। कंपनी तो अच्छी चल रही थी, मगर कुछ समय के बाद उन्होंने एक लैम्प बनाने वाली कंपनी खोलने के लिए इसको भी बेच दिया, मगर उनसे भी अच्छी लैम्प बनाने वाली कंपनी पहले से मार्केट में थी, जिस वजह से फिर उनका नुकसान हो गया। लगभग 40 साल की उम्र में उन्होंने एक बहुत छोटा सा रेस्टोरेंट खोला और वहां पर चिकन बना के बेचने का काम शुरू कर दिया। समय के साथ ये बिजनेस बढ़ता चला गया और उन्होंने 6 टेबल से बढ़ते बढ़ते 142 टेबल्स कर लिए। सड़क के किनारे की एक जगह खरीद कर उन्होंने उसका नाम सैंडर्स कोर्ट एंड कैफे रख दिया। 1940 तक उन्होंने चिकन में डालने के लिए 11 पौधों और मसालों को मिलाकर एक खास मसाला तैयार किया। हालांकि उन्होंने कभी भी ये खुलासा नहीं किया कि उसमें उन्होंने क्या डाला है, पर इतना जरूर बताया कि जो भी चीजें इसमें पड़ी हैं वो सभी लोग अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल से उनका बिजनेस और भी ज्यादा चमकने लगा, मगर 1955 में एक सड़क बनाने के लिए सरकार ने उनके रेस्टोरेंट की जमीन ले ली और उन्हें अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। इसलिए उन्होंने सब कुछ बेच दिया और चिकन की रिसाइज को फ्रेंचाइज करने का फैसला किया। दोस्तों, फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि लोग आपकी बनाई किसी खास चीज को इस्तेमाल करेंगे और आपको उसकी बिक्री पर कमीशन मिलेगा। उन्होंने एक बार बताया था कि इसके लिए भी उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ी। वो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जाकर फ्रेंचाइजी के लिए बात करते थे, 1009 बार लोगों ने उनको ना बोल दिया। उसके बाद कहीं जाकर उन्हें अपना पहला फ्रेंचाइजी पार्टनर मिला। इस रेसिपी से बनने वाले चिकन का नाम अमेरिका के एक स्टेट केंटुकी के नाम पर केंटुकी फ्राइड चिकन रखा गया। उन्होंने पेपर के बकेट में अपना सबसे खास खाना कस्टमर्स को देने का सिस्टम शुरू कर दिया, जो कंपनी की एक खासियत बन गई और आज भी चल रही है। ये बिजनेस बहुत तेज चलने लगा और 1963 तक कंपनी के 600 रेस्टोरेंट हो गए और केंटुकी फ्राइड चिकन अमेरिका की सबसे बड़ी फूड कंपनी बन गई। 1964 में सैंडर्स को लगा कि शायद इस उम्र में वो कंपनी की बढ़त को अकेले संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने कंपनी उस समय के $2 मिलियन में बेच दी, जो कि आज के लगभग $15 मिलियन होंगे, और ये शर्त रखे कि उन्हें पूरी जिंदगी सैलरी मिलेगी, कंपनी के ट्रेडमार्क वही रहेंगे और कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को भी वही कंट्रोल करेंगे। इसीलिए आज भी हम KFC के नाम के साथ एक बूढ़े आदमी की फोटो देखते हैं जो उन्हीं की है। इसके बाद कंपनी की ग्रोथ और बढ़ गई और 1970 तक 48 देशों में KFC के 3000 रेस्टोरेंट खुल गए। 1980 में जब सैंडर्स की मृत्यु हुई तब तक KFC के 6000 रेस्टोरेंट्स खुल चुके थे और सालाना लगभग $2 बिलियन की बिक्री हो रही थी।
केएफसी को कई ग्रुप्स ने खरीदा और बेचा। 1986 में रेनॉल्ड्स ने इसे पेप्सिको को 850 मिलियन डॉलर्स में बेच दिया। तब से केएफसी को पेप्सिको ही चला रही है। 1991 में कंपनी का नाम केंटुकी फ्राइड चिकन से बदलकर केएफसी रख दिया गया, क्योंकि उसमें फ्राइड शब्द का इस्तेमाल था जिसे लोग अनहेल्दी मानते हैं। 2015 में कंपनी के 123 देशों में 20,000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट खुल चुके हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हर असफलता कुछ बेहतर होने का एक प्रारंभिक प्रयास होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी वीडियोस लाते रहेंगे, जिन्हें देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी दर्पण को ये बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन के बगल में मौजूद घंटी जरूर दबाएं। आपके छोटे से प्रयास से हमें प्रोत्साहन मिलता है।